मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम। और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? थोरेसिक डक्ट। यानी कि लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या है, थोरेसिक डक्ट से पहले की जो चीजें हैं वो पढ़ ली थी, और आज अपन क्या है, थोरेसिक डक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। नया लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्या अपन एक बार प्रीवियस लेक्चर को समराइज कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? डेफिनेशन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम वो कौन सी चीजों से मिलकर बना हुआ है। फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, फंक्शन क्या है लिम्फेटिक सिस्टम के। देन आफ्टर अपन ने लिम्फ के बारे में पढ़ा था और लिम्फ वेसल्स के बारे में पढ़ा था। तो नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपन एक बार क्या है, इसको फिर से समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है अपना लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? द लिम्फेटिक सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन दैट हेल्प रिड द बॉडी ऑफ टॉक्सिन, वेस्ट एंड अदर अनवांटेड मटेरियल। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम इज टू ट्रांसपोर्ट लिम्फ फ्लूइड कंटेनिंग इन्फेक्शन फाइटिंग WBC थ्रू द बॉडी। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है? लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? एक नेटवर्क है किसका? टिश्यू और ऑर्गन का, जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं रिड टू बॉडी ऑफ टॉक्सिन, वेस्ट एंड अदर अनवांटेड मटेरियल। और प्राइमरी फंक्शन क्या है लिम्फेटिक सिस्टम का? ट्रांसपोर्ट द लिम्फ फ्लूइड कंटेनिंग इन्फेक्शन फाइटिंग WBC थ्रू द बॉडी। और अपनी बॉडी के अंदर जो भी क्या है WBC की फाइट होती है, और अपनी जो इम्यून सिस्टम है उसमें हेल्पफुल होता है अपना लिम्फेटिक सिस्टम। देन आफ्टर लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम में क्या कौन से पार्ट्स हैं, कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो सबसे पहले क्या है लिम्फ, देन आफ्टर लिम्फ वेसल्स, देन आफ्टर लिम्फ नोड, लिम्फ ऑर्गन स्प्लीन एंड थाइमस, डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यू टॉन्सिल। ये क्या है अपने लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट्स हैं या ऑर्गन हैं। बोन मैरो, इन चीजों पे क्या है अपन डिस्कस करेंगे। यह क्या है अपना लिम्फेटिक सिस्टम है, इसके अंदर क्या है सारे जो ऑर्गन्स हैं, लिम्फ नोड दिखाए गए हैं, टॉन्सिल दिखाए गए हैं, लिम्फ वेसल्स दिखाए गए, थाइमस है, थोरेसिक डक्ट है, स्प्लीन है, अपेंडिक्स है, बोन मैरो इसमें दिखाई गई है, पेज इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इन स्मॉल इंटेस्टाइन के पेज इस डायग्राम के अंदर अपने को दिखाए गए हैं। देन आफ्टर क्या है फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, फंक्शन क्या क्या है लिम्फेटिक सिस्टम के। सबसे पहले क्या है टिश्यू ड्रेनेज, अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, टिश्यू ड्रेनेज करता है अपनी जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो अब्जॉर्प्शन करता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और अपना जो इम्यूनिटी है
उसके लिए डब्ल्यूबीसी से क्या है, डब्ल्यूबीसी जो है वो क्या करती है, फाइट करती है किससे, अगेंस्ट माइक्रोब्स के। तो ये क्या है अपने फंक्शन है किसके, लिम्फेटिक सिस्टम के। सबसे पहले अपना है टिश्यू ड्रेनेज। एवरी डे अराउंड 21 लीटर ऑफ प्लाज्मा फ्लूड कैरिंग डिजोल्व सब्सटेंस एंड सम प्लाज्मा प्रोटीन फ्रॉम द आर्टेरियल एंड ऑफ द कैपिलरीज इनटू द टिश्यू। पर डे क्या है 21 लीटर ऑफ प्लाज्मा फ्लूड क्या है, कैरी होता है, डिजोल्व होता है सब्सटेंस और सम प्लाज्मा प्रोटीन फ्रॉम द आर्टेरियल एंड द कैपिलरीज इनटू द टिश्यू। Most of the fluid is returned directly to the bloodstream via the capillary at its venous end. Most of the fluid वो क्या है return हो जाता है कहाँ पे, directly इसमें ब्लड स्ट्रीम में किसके द्वारा, capillaries end के, capillaries में, और ये क्या है venous end पे। But 3 से 4 लीटर जो fluid है वो क्या है drain होता है किसके द्वारा, lymphatic vessels के द्वारा क्या है drain होता है। Without this the tissue would rapidly become water large and the cardiovascular system would begin fail as blood volume fell. देन आफ्टर अपना अब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या है अब्जॉर्प्शन कैसे होता है लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा। द फैट एंड फैट सोल्यूबल मटेरियल एग्जाम्पल फैट सोल्यूबल विटामिन आर अब्जॉर्ब इन द सेंट्रल ऑफ द लेक्टल, सेंट्रल ऑफ द लेक्टल अपन क्या बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द विलाई। जो फैट और जो फैट सोल्यूबल मटेरियल है वो क्या है अब्जॉर्ब हो जाते हैं कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ पे होते हैं वो अब्जॉर्ब, सेंट्रल लेक्टल्स के पास जाके क्या है अब्जॉर्ब होते हैं, वहीं क्या होती है लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती है कहाँ पे विलाई में। देन आफ्टर क्या था अपना इम्यूनिटी। द लिम्फेटिक ऑर्गन आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड मैच्युरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट द ब्लड द डब्ल्यूबीसी दैट आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोविजन ऑफ द इम्यूनिटी। जो अपने डब्ल्यूबीसी है वो क्या है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, अपने इम्यून सिस्टम के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल होती है। बोन मैरो इज देयर फॉर कंसर्न टू बी ए लिम्फेटिक टिश्यू सिंस लिम्फेटिक प्रोड्यूस देयर, लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस देयर। देन आफ्टर क्या आती है अपनी लिम्फ।
लिम्फ क्या है? लिम्फ इज ए क्लियर वाटली फ्लूइड सिमिलर इन द कंपोजिशन टू प्लाज्मा विद द इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड आइडेंटिशियल इन द कंपोजिशन ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड. लिम्फ क्या है? क्लियर वाटरी फ्लूइड है, सिमिलर इन कंपोजिशन टू प्लाज्मा. प्लाज्मा की तरह क्या है? सेम इसकी कंपोजिशन है. विद द इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड इंटरस्टिशियल कंपोजिशन टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड. लिम्फ ट्रांसपोर्ट द प्लाज्मा प्रोटीन दैट सीप आउट द कैपिलरी बेड बैक टू द ब्लड स्ट्रीम. लिम्फ क्या करती है? ट्रांसपोर्ट द प्लाज्मा प्रोटीन दैट सीप आउट द कैपिलरीज बेड बैक टू द ब्लड स्ट्रीम. इट ऑल्सो कैरी अवे लार्जर पार्टिकल्स एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड सेल डेब्रिस फ्रॉम द डैमेज टिश्यू विच कैन देन द फिल्टर्ड आउट एंड डिस्ट्रॉय बाय द लिम्फ नोड. लिम्फ कंटेंट लिम्फोसाइट विच सर्क्यूलेट इन द लिम्फेटिक सिस्टम अलाउिंग देम द पेट्रोल टू द डिफरेंस रीजन ऑफ द बॉडी. इन द लेक्टल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फैट अब्जॉर्ब इन द लिम्फोसाइट लिम्फेटिक्स गिव द लिम्फ लिम्फ नाउ कॉल्ड चाइल्ड ए मिल्की अपीयरेंस. देन आफ्टर क्या आता है अपना? लिम्फ वेसल्स. लिम्फ वेसल्स क्या है? लिम्फ वेसल्स लिम्फ कैपिलरी और लार्ज लिम्फ वेसल्स से मिलके क्या है अपनी जो लिम्फ वेसल्स है वो बनती हैं. तो लिम्फ सबसे पहले क्या है अपनी? लिम्फ कैपिलरीज. तो जो अपनी कैपिलरीज ब्लड कैपिलरीज होती हैं वैसी ही क्या है अपनी? लिम्फ कैपिलरीज होती हैं. दीज ओरिजिनेट एट द बाइंड एंड ट्यूब इन द इंटरस्टिशियल स्पेस. They have the same structure as blood capillaries, like a single layer of endothelial, but their walls are more permeable to the whole interstitial fluid constituted including protein and cell debris. ये क्या है? Same structure होती है कैसी? जैसी अपनी blood vessels होती हैं वैसी क्या है blood capillaries होती है. इसके अंदर क्या है? Single layer होती है किसके? Endothelial की. But their walls are more permeable to the whole interstitial fluid. और इसकी जो wall है वो क्या है? ज़्यादा permeable होती है. The tiny capillaries join from the large lymph vessels. छोटी छोटी क्या है capillaries है वो क्या join करती हैं? Large lymph vessels को join करती हैं. All tissue of the body have a network of lymphatic vessels with the expression of the central nervous system, the bone and the most superficial layer of the skin. जो सभी की सभी क्या हैं टिश्यू हैं बॉडी के क्या है वो नेटवर्क है किसका? लिम्फेटिक वेसल्स का. और ये बोन और जो अपनी सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन ये सारी की सारी क्या है जो भी अपनी वो क्या है अपनी नेटवर्क है किसका? लिम्फेटिक वेसल्स का.
देन आफ्टर क्या है अपनी लार्ज लिम्फ वेसल्स। द वॉल ऑफ द लिम्फ वेसल्स आर अबाउट द सेम थिकनेस एंड दोज ऑफ स्मॉल वेन एंड हैव द सेम लेयर ऑफ टिश्यू। जो अपनी ब्लड वेसल्स होती हैं सेम वही क्या है उसी स्ट्रक्चर की क्या है अपनी सेम थिकनेस की क्या है अपनी लिम्फ वेसल्स होती हैं और इसके अंदर क्या है सेम लेयर होती है अपनी वही। फाइब्रस कवरिंग ए लाइक ए फाइब्रस कवरिंग मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू एंड इनर लाइनिंग ऑफ एंडोथेलियम। एंड जो इनर लाइनिंग है वो किसकी होती है वो एंडोथेलियम की होती है। मिडिल लेयर वो क्या है स्मूथ मसल्स की होती है और जो अपनी आउटर कवरिंग है वो क्या है फाइब्रस की कवरिंग इस पे होती है। लिम्फ वेसल्स हैव न्यूमेरियस कप्स वॉल विच एंश्योर द लिम्फ फ्लो इन द वन वे। इस लिम्फ वेसल्स है वो क्या है उसके अंदर न्यूमेरियस टाइप के यानी बहुत ज्यादा टाइप के क्या है कप शेप के वॉल प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर क्या है जो अपना ब्लड फ्लो है क्या होता है वो वन वे टाइप का क्या है ब्लड फ्लो होता है। देर इज नो पंप लाइक द हार्ट। इसके अंदर हार्ट की तरह क्या है कोई पंप नहीं होता जो क्या है हार्ट जैसे ब्लड को पंप करता है वैसे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कोई लिम्फ का ऐसा कोई पंप नहीं होता जो लिम्फ को पंप करता है। इन्वॉल्व द ऑनवर्ड मूवमेंट ऑफ द लिम्फ बट द मसल्स टिश्यू इन द वॉल ऑफ लार्ज लिम्फ वेसल्स हैज ए इंटरेस्टिंग एबिलिटी टू इंटरेंसिंग एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट रिदमेटिकली। इसके अंदर क्या है जो टिश्यू है और जो लार्ज लिम्फ वेसल्स है उनके अंदर क्या है ऐसी एबिलिटी होती है इंट्रिंसिक एबिलिटी होती है जिसके द्वारा क्या है वो उसको फ्लो करते हैं। In addition, any structure that periodically compresses the lymphatic vessels can assist in the movement of lymph along the vessels, commonly including the contraction of adjacent muscles and large arteries. Lymph vessels become larger as they join together eventually from the two large ducts, the thoracic duct and right lymphatic duct. That empty lymph into the subclavian vein. देन आफ्टर इतना जो आज का टॉपिक है वो क्या है थोरेसिक डक्ट। दिस डक्ट बिगिन ए चाइल्ड विद इन डायलेटेड लिम्फ चैनल सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ द बॉडीज ऑफ द फर्स्ट टू लंबन वर्टिब्रा। द डक्ट इज अबाउट 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ओपन इन टू द लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। जो डक्ट है वो कितनी सेंटीमीटर लॉन्ग होती है 40 सेंटीमीटर क्या है अपनी लॉन्ग होती है
और ओपन इनटू द लेफ्ट सबक्लेरियन वेन। ओपन कहाँ पे होती है, जो अपनी लेफ्ट सबक्लेरियन वेन है वहां पे जाके क्या है वो ओपन होती है। इन द रूट ऑफ द नेक, जो इसकी नेक है ना, रूट की जो नेक है वहां पे जाके क्या है वो ओपन होती है। इट ड्रेन लिम्फ फ्रॉम द बोथ लेग्स, और ये क्या करती है, जो अपने दोनों लेग्स है वहां से क्या करती है, लिम्फ को ड्रेनेज करती है। द पेल्विक एंड एब्डोमिनल कैविटी, द लेफ्ट हाफ ऑफ द थोरेक्स, हेड एंड नेक ऑफ द आर्म। पेल्विस, एब्डोमिनल कैविटीज, लेफ्ट हाफ ऑफ द थोरेक्स, हेड एंड नेक एट द आर्म। यहां से क्या है, ये अपना जो लिम्फेटिक है फ्लूइड है उसको क्या है, ड्रेन करती है। जो सिस्टीना चाइल्ड है उसको अपन क्या बोलते हैं, ये सिस्टीना चाइल्ड जो वो क्या होता है, ये डायलेटेड सैक होता है। किसका, लोअर एंड, अपना जो लोअर एंड होता है किसका, थोरेसिक डक्ट का। इस ये क्या है, जो ये सिस्टीना चाइल्ड ही है जो है, इसकी क्या है, ये जो अपना डायलेटेड सैक होता है किसका, लोअर एंड ऑफ द थोरेसिक डक्ट का। देन आफ्टर अपने कहते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट में क्या है, दिस इज अ डायलेटेड लिम्फ वेसल्स अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो राइट लिम्फेटिक जो अपनी वेसल्स है वो क्या है, डायलेटेड लिम्फ वेसल्स है, कितने सेंटीमीटर की, लगभग 1 सेंटीमीटर की। इट लाइट लाइज इन द रूट ऑफ द नेक एंड ओपन इन टू द राइट सबक्लेरियन वेन। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, रूट ऑफ द नेक पे क्या है, प्रेजेंट होती है, और ओपन कहाँ पे होती है, राइट सबक्लेरियन वेन के अंदर क्या है, ओपन होती है। इट ड्रेन लिम्फ फ्रॉम द राइट हाफ ऑफ द थोरेक्स, हेड एंड नेक एंड द राइट आर्म। ये कहाँ से ड्रेन करती है लिम्फ को, राइट हाफ ऑफ द थोरेक्स, हेड एंड नेक एंड द राइट आर्म। देन आफ्टर अपना आता है लिम्फेटिक ऑर्गन्स एंड द टिश्यू। लिम्फेटिक ऑर्गन और टिश्यू कौन से हैं, लिम्फ नोड, स्प्लीन और जो अपनी थैमस ग्लैंड है। ये क्या है, अपने लिम्फेटिक ऑर्गन एंड टिश्यू हैं, जिन पे क्या है अपन कल जो अपने नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन किस पे डिस्कस करेंगे, लिम्फ नोड के बारे में अपन कल क्या है डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल।